हेलो गाइस, तो अभी हम ये SXL BS6 150cc इसका एक टेस्ट राइड करने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने इसका एक वॉक अराउंड वीडियो बना रखा है जिसमें इसकी मैंने टेक्निकल डिटेल्स सारी चीज़ों के बारे में कवर किया है। तो ये है BS6 मॉडल और ये अभी फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है। तो इसकी प्राइस कुछ अराउंड 1.26 लाख ex-showroom दिल्ली है। तो जैसे ही प्राइस का मुझे कन्फर्म पता चलेगा मैं तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो में भी डाल दूंगा। तो चलिए इस स्कूटर का एक टेस्ट राइड करते हैं और देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस है। तो ये है 150cc का गाड़ी। तो मैंने अप्रीलिया SR150 या 150 भी चलाया, 160 भी चलाया, तो उसके कंपैरिजन में देखते हैं कि कैसा है परफॉर्मेंस। तो स्टेबिलिटी वाइज तो काफ़ी अच्छा है गाड़ी और टायर का थिकनेस भी सही है, ओके है टायर का थिकनेस। पीछे आगे आपको 110x70 मिलता है और पीछे 120x70 का सेक्शन का टायर मिलता है। और फ्यूल इंजेक्शन की टेक्नोलॉजी है तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा इसमें, माइलेज आपको अच्छा मिल जाएगा। 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर का तो माइलेज आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिकअप अगर मैं बोलूं तो पिकअप उतना खास नहीं है। अगर आप अप्रीलिया के स्कूटर के देखोगे, अप्रीलिया 160 का, तो पिकअप अच्छा होता है अप्रीलिया 160 का, इसका उतना अच्छा नहीं है। बाकी टॉप स्पीड का अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से 100 तो आराम से चले ही जाएगी है। ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है इसमें, आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलता है प्लस ABS मिलता है, तो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग मिल जाती है। तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है इसमें, कोई डाउट नहीं है। वेस्पा के सारे स्कूटर जितने भी मैंने चलाए उनकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। सेफ्टी वाइज ये स्कूटर्स काफ़ी अच्छे हैं। और तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी काफ़ी है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिल जाता है इसमें, आपको टाइम भी मिल जाता है और तो काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं इसमें। एक बार हम इसकी टॉप स्पीड देखें, तो 80 तक की स्पीड इसमें चले जाती है। ब्रेकिंग तो आपकी इसकी काफ़ी अच्छी है, अभी एक बार ब्रेकिंग लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, तो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है इसमें। और पावर एंड टॉप फिगर्स इस स्कूटर के उतने ज़्यादा नहीं है। 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज इसमें आपको आराम से मिल जाएगा, क्योंकि BS6 का इंजन है, फ्यूल इंजेक्शन की टेक्नोलॉजी है। तो वेस्पा का ये स्टाइल बहुत अच्छा है, एक तो एक रेट्रो लुक देता है आपको, चलाने में एक अलग ही फील आती है, प्लस जो राइडिंग कंफर्ट है वो बहुत अच्छा है। इसमें जो राइडिंग पोजीशन होता है काफ़ी अच्छा होता है। मैंने बाकी स्कूटर्स भी चलाए उनमें, वैसे ये नहीं बोलूँगा मैं कि इसका स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी मुझे काफ़ी अलग अप्रीलिया के स्कूटर का थोड़ा बेटर लगा है। और आप देखेंगे तो अप्रीलिया के स्कूटर का काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी होता है, बट वेस्पा का जो एक राइडिंग का स्टाइल है एंड जो रेट्रो लुक देता है आपको, चलाने में अलग ही फील आती है। और ये प्रीमियम लुक देने की वजह से इनकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये शायद आई गेस बहुत ही महंगा स्कूटर है, सबसे कॉस्टली स्कूटर है 150cc में। इसकी प्राइस 1.26 लाख ex-showroom दिल्ली है, तो काफ़ी महंगा स्कूटर है 150cc के सेगमेंट में। और पावर उतनी अच्छी नहीं है, बट 150cc के हिसाब से ओके है, अगर थोड़ी पावर थोड़ी ज़्यादा होती तो काफ़ी अच्छा रहता। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 70 तक चले गया है आराम से, और ब्रेकिंग की तो कोई बात ही नहीं है, वेस्पा के सारे स्कूटर्स की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। तो जैसे कि आपने देखा एकदम पिकअप लेता नहीं है, इसको बहुत टाइम लगता है पिकअप लेने में, और 80 की स्पीड जाने में बहुत टाइम लगता है। अगर अप्रीलिया के स्कूटर से कंपेयर करें तो वो काफ़ी जल्दी चले जाते हैं, और बाकी दूसरे स्कूटर्स भी मैंने देखे हैं वो जल्दी चले जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है आप 80-90 की स्पीड जाने में। तो ये सब SXL 150 BS6 वेस्पा का एक राइड रिव्यू था। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर बाइक अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू गाइस।